2014 थाउजेंड फोर्टीन में एंटी करप्शनिशमेंट रूल के तहत एक लॉ स्टलिश हुआ था वो भी अब फॉलो हो रहा है और पाकिस्तान पीनल कोड जो की अंग्रेजों की बनाई हुई है उसके अंदर भी सेक्शन है 161 से लेके 164 तक सारे टैक्सेस पे करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है और उसमें अपने आपने इंतकाल करवाना है म्यूटेशन करवाना है पटवारी का काम है कि वो करे चाय पी लें खाना खिला दिया किसी जगह पे क्या भी ये भी रिश्वत में शामिल होगा इवन के अगर आपने अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहा है कोई तो well है, है प्रोग्राम कानून के दायरे में मैं हूँ आपकी मेज़बान तायरा अली राना नाजीन जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं वो है रिश्वत रिश्वत जिसने हमारी सोसाइटी को अपनी लपेट में ले रखा है रिश्वत लेने और देने वाला दोनों ही मुजरिम है कानून में इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदू किया है माहिर कानून एडवोकेट हाईकोर्ट सफ़ील्लाब को आइए उनको वेलकम करते हैं और इस हवाले से कुछ चीज़ें जानते हैं असल सर वालेकुम पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सर आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं वो है रिश्वत कानून में क्या लॉ है रिश्वत पे अच्छा रिश्वत पे रिश्वत पे लॉज जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही मार्ज वजूद में आ गए थे मार्च 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़े ज़गीर में राइज हुआ था और वो अभी तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं टू थाउजेंड फोर्टीन में एंटी करप्शन इस्टेबलिशमेंट रूल्स के तहत एक लॉ स्टैब्लिश हुआ था वो भी अब फॉलो हो रहा है और पाकिस्तान पिनल कोड जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है उसके अंदर भी सेक्शन है वन सिक्सटी वन से लेकर वन सिक्सटी फोर तक जो कि करप्शन और रिश्वत को बेसिकली रिश्वत का नाम ग्रेटिफिकेशन का लॉ में यूज हुआ है तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं कोई नई कोई 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 बात आती रहती है कोई ना कोई नई चीज सामने आती रहती है और चीजों में इंप्रूवमेंट हो रही है अच्छा सही सर मुझे बताइएगा कौन कौन से फॉरम है हमारे पास कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जहाँ पे जाकर हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे साथ करप्शन करने लगते दो फॉरम्स है एक तो ईजी वे आउट है और एक थोड़ा सा हौसले वाला थोड़ा हिम्मत वाला काम है वे आउट ये है कि हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट ने दो एप्स हमें दिए हैं एक है सिटीजन पोर्टल उस पे आप आप सिंपल जाके जाके एप्लीकेशन और एक एक है है रिपोर्ट करप्शन के के नाम से उसमें किसी भी अफसर के खिलाफ जाकेशन जी मुझे ये रिश्वत दे रहा है तो उसके खिलाफ आप दरखास्त दें अच्छा अब जो हिम्मत वाला काम है जो थोड़ा सा सबर वाला और हौसले वाला थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग काम है आवाम को पता होना चाहिए कि जो उनका जायज काम है वो दुनिया की कोई ताकत भी इस मुल्क में नहीं रोक सकती बिल्कुल रिश्वत देने की किसी को बेवजह फ़ायदे देने की जरूरत ही कोई नहीं है आप एक दफ़ा एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर दरख्वास्त के डायरेक्टर साहब को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के ठीक है उसके साथ अपना एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं एक बयान हल्फी की कॉपी लगाएं जो कि सौ रुपए के, के स्टाम्प पेपर के ऊपर बनता है ठीक है साथ जितना भी आपके पास एविडेंस है वो साथ लगाएं और जाके एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को दे दें

जो है वो लॉज होती है मतलब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करा दी उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उस पूरे केस पूरे को अटैच कर दिया जाता है अटैच करेगा और अगर वो समझता है कि ये केस इन अकॉर्डिंग्स विद द करप्शन है और ये रिश्वत है तो वो ये केस को पर्स्यू करेगा अगर वो समझता है कि ये पीड़ा का मामला है जैसे इन का मामला पीटा 2000 चौथा के एक लॉ है वो, के वो इन हाउस उनकी जो है वो इम्प्लॉज की की जाती है, है। तो अगर वो मामला है तो वो उसके डिपार्टमेंट को वो केस फॉरवर्ड कर देगा मतलब जिस भी अदारे के स्पेसिफिक वो काम हो वो डील करता हो उस अदारे को असाइन कर दिया जाता है केस। उस अदारे को उस को सूरत में असाइन किया जाएगा जब समझा जाएगा ये ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं है ग्रेव ग्रेटिफिकेशन नहीं है अगर उसने ग्रेटिफिकेशन ली है और एंटी करप्शन समझती है कि इस मैटर को हम डील करेंगे तो उसकी एफ आई आर लॉन्च होगी और जो फिर क्रिमिनल ट्रायल उसके खिलाफ होगा वो मैटर कितना एवरेज टाइम लग जाता है है सजा मिलने तक एवरेज टाइम बेसिकली हमारे मुल्क की जुडिशरी पे डिपेंड करता है क्योंकि okay. इस वक्त हमारे मुल्क की जुडिशरी ने बहुत बहुत इंप्लीमेंटेशन करवाई है हर केसेस के लिए ही uh -huh. लेकिन वो जो एक सिंपल क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसीजर में टाइम लगता है कोई फिक्स टाइम नहीं होता लेकिन टू दर्स्ट ये मैटर रिजोल्व किए जाते हैं मतलब ये कि आपके पास या आपके साथ अगर करप्शन हो रही हो तो बजाय इसके कि आप वावेला मचाएं और जबानी कलामी जाके उस पर गालम गलोच करें आप उसकी एक अपलीकेशन जमा कराएं जिस तरह से हमारे वकील साहब ने बताया कि आप बयान हल्फी अटैच करें सी एन आई सी की कापी अटैच करें और जो जो एविडेंस आपके पास मौजूद हैं उन सबको अटैच करें और रिटर्न फॉर्म में जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट कराएं सर अदारे कौन कौन से हैं हमारे पास एंटी करप्शन इस पर काम कर रहा है हमारे बेसिकली जो जो है है वो इस वक्त कि एक पर्सन के साथ हो रही मैं का के में तो नैप भी नैप भी हो मेगा करप्शन है सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले लेती है लेकिन एक बंदा जिसने अपनी इंतकाल करवाना है जिसने अपनी फर्द निकलवानी है वो जाके पटवारी से कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो चुकी है इसका इंतकाल करवा दो पटवारी उसे कहता है भाई आपका तो ये रकबा आठ कनाल का है इसके लिए मुझे दो लाख रुपया रिश्वत दो या एक लाख रुपया रिश्वत ठीक है मतलब इंतकाल है? के लिए भी वहाँ पे उसे जो आपका जायज काम है जो है? आपने सारे टैक्सेस पे करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है और उसमें अपने आपने इंतकाल करवाना है म्यूटेशन करवाना है पटवारी का काम है कि वो करे ठीक है लेकिन वो उस चीज की रिश्वत मांगेगा हमारे हमारे यहाँ लोगों का मसला ये है कि हम हर चीज़ के लिए शॉर्टकट जाते हैं कि फौरी तौर पे काम हो जाए हमारा ठीक है यार चार पैसे मांग रहे हैं तो उसको आठ दे दो ऐसे ही। उसको मजीद जो है वो सोसाइटी को खराब करो सोसाइटी इसी तरह खराब होती है गाइडलाइन की की कमी कमी है गाइडलाइंस भी थोड़े से हौसले की भी कमी है, भी कमी है और थोड़े से अपने राइट से दूरी की भी कमी है ये भी बड़ी सर एक चीज देखी जाती है कि कोई भी काम करवाना है तो जी ये सर तोहफा है आपके लिए चाय पी लें खाना खिला दिया किसी जगह पे क्या ये भी रिश्वत में शामिल होगा इसमें ना सेक्शन सिक्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्लियर है ठीक है एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन ठीक है इवन के अगर आपने अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे है कोई नजायज काम करवाने के लिए ठीक है डेट अमाउंट टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट और इसकी सजा है ठीक है अब हम थोड़ी सी सजाओं पे बात कर रिश्वत लेते जब कोई बंदा देता है तो वो ये नहीं कहता कि सर मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ मैं तोहफा दे रहा हूँ गिफ्ट दे रहा हूँ कोई आपको यानी कि खर्चा दे रहा हूँ कभी भी नहीं ये कहेगा कि मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ वो भले एक आमों की पेटी हो गई या कहीं बैठ के खाना खा लिया या कोई कोई भी सोर्स आपने पर रेफरेंस यूज कर लिया अपना काम कराने के लिए वो सब चीजें रिश्वत में शामिल होती हैं इन सब चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं इस रिश्वत को पे ओवरकम कैसे किया जा सकता है सोसाइटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है बेसिकली गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी इनिशियेटिव लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो एप्स भी लॉन्च किया है ठीक है ऑनोनीमसली भी आप अपनी एक एप्लीकेशन अपनी एक दरखास्त दे सकते हैं किसी के बारे में और अच्छा एक लॉ में भी एक चीज है जिसे हम कहते हैं ट्रैप ट्रैप केसेस ठीक, ठीक है अब अब ये ट्रैप केसेस क्या फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदा रिश्वत मांग रहा है और आप चाहते हैं कि इस बंदे को मैं रेड हैंडेड पकड़ू अच्छा ठीक है आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है एंटी करप्शन स्टेब्लिसमेंट को आपने कहना है ये बंदा मेरे से रिश्वत मांग रहा है मैं इसको पकड़वाना चाहता हूँ मैं इसको रेड हैंडेड पकड़वाना चाहता हूँ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में आपकी एप्लीकेशन जाएगी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर आपको एक इंक्वायरी ऑफिसर करवाएंगे वो फिर सेशन जज साहब से परमिशन लेंगे फिर एक मजिस्ट्रेट के साथ वो उस जगह पे रेड करेंगे आपने जो पैसे जिस भी सरकारी मुलाजम को दिए होंगे वो थोड़े से आप टेम्पर कर देंगे कोई सिग्नेचर्स कर देंगे कोई ऐसा चीज कर देंगे सही. वो जब आपको देंगे पीछे से एंटी करप्शन की रेड पकड़ेगी और वो बंदा रेड हैंडेडली पकड़ा जाएगा और, है. और वो बंदा को फिर बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट उसी मौके पर उसके बयान कलम बंद करवाता है और सारी वीडियोज बनती है और फिर वो सारा उसके खिलाफ केस तैयार होता है मतलब नाजीन हमारे मुल्क में अदारे भी मौजूद हैं काम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी इस पर काम करी है थोड़े से हौसले की ज़रूरत है थोड़े से आपको हिम्मत करने की जरूरत है बजाय इसके कि आप सोचें कि मेरा काम जल्दी हो जाए आप उसके खिलाफ एक्शन लें अगर आपसे कोई करप्शन करवा रहा है या आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है ऐसे ही ठीक है मुझे बताइएगा अभी आपने बोला कि दो इसके ऑनलाइन फॉरम भी मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के नाम से वो तो वेल नोन है एक है रिपोर्ट करप्शन रिपोर्ट, रिपोर्ट करप्शन में एक जो सबसे अच्छी चीज वो ये है कि आप भी भी किसी ऑफिसर भी के खिलाफ दायर कर सकते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस अफसर के खिलाफ पूरी इंक्वायरी करेगा मतलब जैसे अगर आप नहीं करना चाहते आप नहीं करना चाहते तो फिर भी आप एक एप्लीकेशन नीचे उसके ऑप्शन होगीमस तो वो आप अनोनिमस रह के भी आप एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं एंटी करप्शन में

जो हमें लॉ पता रहा है पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वो हमें बताता है कि सात साल इसकी सजा होगी ठीक है सात साल सात सात सजा होगी हो 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 और अगर डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 161 के तहत तो उसको सजा दी जाएगी तो वो तीन साल से करीब उसको सजा मिलेगी मतलब तीन से सात साल की सजा है इस पे yes. नाजीन पे करप्शन करने रिश्वत लेने पे आपको तीन से सात साल तक की सजा भी मिल सकती है और कुछ जुर्माना भी स्पेसिफिक है है ये केस 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 टू टू वो वो वेरी करता है? Case case वेरी करता जुर्माना कोर्ट डिसाइड करती है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है अब बेसिकली अब जुर्माने का भी ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेगा करप्शन का स्कैंडल है तो जब नैब इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें जुर्माना जो है वो प्री बारगेन के हिसाब से वो मिल जाता है वो भी नैब डिसाइड करती है तो मेगा करप्शन के मामले में जुर्माने ज्यादा हो जाते हैं जो ये करप्शन होती है जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ हो रही होती है वो थोड़ी उसमें सी मामले में कम होती, होती है ठीक है कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकता है इस, किस, इस के केसेस पे अगर देखा जाए कि आसपास कहीं पे करप्शन हो रही हो तो पावर्स तो है लेकिन कोर्ट कैसे कोर्ट के पास कैसे इंफॉर्मेशन आएगी कि यहाँ पे करप्शन हो रही है मतलब उन, जो है वो हमने खुद प्रोवाइड करनी है मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा जो कि मेगा करप्शन होते हैं जो कि सारी दुनिया के सामने हो जाते हैं जैसे कोई फॉर्मलाइड सोसाइटी का मसला हो गया या किसी हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनीज का या फिर कोई और मेगा करप्शन के मसले हो गए right. तो वो तो कोर्ट उसके शो कॉज ले लेगी क्योंकि अपेरेंट होता है

लोगों में जज्बा भी मौजूद है सिर्फ थोड़ा सा हौसला करने की ज़रूरत है इसी के साथ मुझे ताइरा अली को इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगले शो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए अल्ला नगेबान